गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। हमेशा की तरह खबरों के अंदर जाने के पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। प्रमुख सचिव नगर विकास ने किया बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, साथ ही जीडीए के सभागार में दस्तक अभियान के तहत हो रहे कार्यक्रमों की समीक्षा। मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किए गए कार्यों की प्रगति अपेक्षा अनुरूप न होने पर एक दर्जन से ऊपर अधिकारियों को 10 अप्रैल तक मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मांगा स्पष्टीकरण। लूट सहित आपराधिक मामलों में वांछित 25,000 का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। विद्युत के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की महिला सदस्यों ने चलाया पकौड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम। बिजली अधिकारी व कर्मचारी के 9 अप्रैल से 72 घंटों के कार्य बहिष्कार के मद्देनजर जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने 6 अप्रैल को बुलाई बैठक। एसपी नॉर्थ ने की पहल, चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल का होगा कायाकल्प। थाने के रजिस्टर संख्या 8 में दर्ज घटना को शिलापट पर जाएगा उकेरा। गोरखपुर न्यूज की विशेष कवरेज। गुहाराज निषाद की जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, निषाद समाज ने दी श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन के पीछे झाड़ियों में लगी आग, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की बैठक, डीएम ने कहा उद्यमियों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही ना बरतें अधिकारी। और नहीं रहे बंगाली समिति के दुर्गाबाड़ी के पूर्व अध्यक्ष पीके लाहड़ी, समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को प्रमुख सचिव नगर विकास ने बीआईडी मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण किया, उसके उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित दस्तक अभियान के तहत जीडीए के सभागार में एक कार्यशाला में दस्तक अभियान के तहत हो रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करने पहुंचे। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज सिंह ने जेई और एईएस जैसी संक्रामित बीमारी के बारे में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने दस्तक अभियान के तहत चलाई जा रही जागरूकता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस बीमारी से बचाव के लिए डॉक्टर की विशेषज्ञ टीमों ने विचार विमर्श किया और बताया कि जानलेवा बुखार से बचाव का एकमात्र उपाय है साफ सफाई और सावधानी। इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला अधिकारी के विजयन पांडेयन, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह सहित डॉक्टरों की एक विशेष टीम और दस्तक अभियान से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा, एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है, कोई प्रभावित व्यक्ति हो तो हम तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें और उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल पहुंचाएं। इस समय इस दिमागी बुखार से रोकथाम के लिए पब्लिक को भी अवेयरनेस करेंगे, चाहे जो है जो प्रभावित एरिया हैं, कुल जनपद गोरखपुर में 42 केसेस हमें जेजे बढ़ाव के क्षेत्रों को चिन्हित किया है। 75 आवेदन प्राप्त किए हैं जिनमें से 12,000 की जांच हो चुकी है। निरस्त लगभग 4,953 है, 46 है जिनके एड्रेस वगैरह वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। 7,144 लाभार्थियों को हमने प्रथम किस्त दे दी है, इसमें से लगभग ज्यादातर को सेकेंड किस्त भी दी जा चुकी है। वर्तमान में 5,000 के कुछ आवेदन पत्रों की हम जाँच कर रहे हैं। सेकेंड फोटो
ये धनराशि की हमारे पास कोई कमी नहीं है, सर के निर्देश पे हमें पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो चुकी है जिसका हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी भेज रहे हैं। ये डैशबोर्ड की स्क्रीनशॉट है, ये हमारे सामुदायिक और सार्वजनिक सत्य शौचालय है, शौचालय का 508 का हमारा टारगेट है। इसमें भी हम काफी टॉयलेट मोर देन 60% निर्मित कर चुके हैं और कई टॉयलेट भी मंगवाए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या कहीं पे कोई रैली हो, कोई सभा हो, कोई गोष्ठी हो, जहाँ पे भारी मात्रा में लोग जुड़ते हैं, बंधों के किनारे के लिए जहाँ पे लोग आदतन खुले में शौच जाते हैं, वहाँ सभी जगह शौच रोकने के पूर्व एक पैकेज जो है हमारे पास धनराशि पर उपलब्ध है और उसकी धनराशि तुरंत प्राप्त के लिए जल्दी स्तर पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त करें। हमारे लगभग 150 गाड़ियाँ उपलब्ध है, तो इसके सहायता से हम सभी 17 वार्डों में डोर टू डोर का कार्य जल्दी ही प्रारंभ कर देंगे और साथ सभी 70 वार्डों में सर 70 नोडल अधिकारियों को तैनात किए गए हैं जो उस वार्डों में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। स्वच्छता वातावरण प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया है, हर समिति में 12 से लेकर के 17 तक सदस्य हैं जो उस गांव में उस कस्बे के हम बेहतर तरीके से कर सकें, चाहे अपनी भीड़ बनानी हो या सफाई करनी हो, लोगों की निगरानी की व्यवस्था हम कर सकें। वार्ड वार्ड स्वच्छता वातावरण समिति की सर 3 से ज़्यादा बैठकें हम लोग कर चुके हैं, 4th बैठक सर फिर से करने जा रहे हैं जिसमें AS JEE इन सबों के नौकी बीमारी के संबंध में लोगों को बताने जागरूक करने का कार्य चल रहा है। नगर निगम स्तर पर सर जब स्वच्छता वातावरण प्रोत्साहन समिति का गठन शुरुआत किसी गोरखपुर जनपद से माननी करके इस रोग से बचाव और उपाय संबंध में उन्हें परिचित कराया गया। हमारे लोग सर ये हैंडपम्प वार्ड वार हैं, लगभग 4,500 के करीब हमारे हैंडपम्प हैं, सभी का हमने एक अभियान चला करके क्लोरिनेशन का काम किया है और जो ऐसे हैंडपम्प जो फ्लोराइड या जहाँ पे जांच में पाए गए हैं उनको बंद भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है उनको शो किया गया है, नेक्स्ट ये सूची है। गोरखपुर और गोरखपुर मंडल के बाकी जिलों में जो नगर निकाय हैं उनके ऑफिसर्स आए हुए हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स को देख रहा हूँ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आए हुए हैं, मदर CSOs के लोग भी यहाँ पे हैं। आप सब JEE और AES की सेंसिटिविटी से और कारणों से वाकिफ़ हैं, उसके बारे में और भी बातें एक्सपर्ट लोग करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो टारगेट है हम लोगों का वो ये है कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के किसी भी नगरीय क्षेत्र में ये बीमारी इस साल नहीं होनी चाहिए, ये टारगेट है हम लोगों का। और वो ना हो उसके लिए जो भी नगर विकास विभाग की ओर से किया जाना है वो मूलतः सफाई, शौचालय और शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्था करना। हम लोग इस अभियान के दौरान नगरीय क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, नालों का बिल्कुल टेल एंड से लेकर झाड़ियों का और बाकी जो भी इस तरह के अगर कूड़े कहीं पर डंप है शहर के बीच में तो उनको साफ करेंगे। साथ ही ये हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि सभी मलिन बस्तियों को जो इन नगर निकाय में है उनमें शुद्ध पेयजल की व्यवस्था क्रिएट की जाए, अगर नहीं है कहीं पे तो वाटर ATMs की भी बात चल रही है कि वो नगर निकाय लगाएंगे उसको और उसके लिए पैसा हम लोग आपको मुहैया कराएंगे। ये सफाई की और शुद्ध पेयजल व्यवस्था की ये जिम्मेदारी हम लोगों की है और उसको हम लोगों को निभाना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टारगेट इस अभियान के दौरान रहेगा कि जिसके यहाँ जो भी व्यक्तिगत शौचालय निर्मित किए जाने हैं वो 100% निर्मित हो जाए। शौचालय बनाने का काम एक घर में 4 दिन या 5 दिन का होता है, 4 या 5 दिन में आप एक टॉयलेट बना लेते हैं, उससे भी कम दिन में बनाते होंगे जो बलराम मॉडल का टॉयलेट बनाते हैं। पैसा आपके पास है,
हम लोगों ने लगभग 450 या 500 नगर निकाय को उनके लक्ष्य के हिसाब से 100% पैसा दिया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर किसी को और पैसा चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मिल जाएगा। अभी पहले फेज में AES और JEE के बारे में बातचीत होगी और उसके बाद के फेज में हर निकाय का व्यक्तिगत शौचालय, कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट और पिंक टॉयलेट, इनकी क्या प्रोग्रेस है उसकी बात होगी। क्योंकि अक्टूबर में ODF करने का लक्ष्य है और शौचालय बनाने का काम पूरा करने का लक्ष्य है, तो मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा और अब अखिलेश गौतम जी आप इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू। AES सिंड्रोम पे काफ़ी जो है हमने पढ़ाई करी दूसरे के अंत तक, और उसको पढ़ने के बाद जो एक सार आ रहा है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने बहुत शॉर्ट में ये प्रेजेंट करने वाला हूँ कि डिजीज वाइज क्या है और उसके साथ उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए अपने को कर। पहली चीज जो कंपल्सरी है, फीवर होना चाहिए, साथ में कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होना चाहिए, वो कोई भी सिम्टम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको पेट से आ रहा है। तीसरा ये है कि कई बार उसमें एसोसिएटेड पेट दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं और कई बार एटिपिकल रिएक्शन हो सकता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्लाइड से अपन लोग लेके जाएंगे वो ये है कि फीवर 100% केसेस ऑफ फीवर मस्ट बी रिपोर्टेड, उसमें कोई मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किए गए कार्यक्रमों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप न होने पर लगभग एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को 10 अप्रैल तक स्पष्टीकरण देने को कहा है और इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी को भी पत्र भेजकर जनपद स्तर पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही जनपद स्तरीय अधिकारियों का भी स्पष्टीकरण लेकर एक सप्ताह के अंदर उनके सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिन अधिकारियों का स्पष्टीकरण किया है उनमें अधीक्षण अभियंता यूपी सिड को उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश जल निगम, परियोजना प्रबंधक यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड यूनिट 29, परियोजना प्रबंधक यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड यूनिट, परियोजना प्रबंधक CNDS यूनिट 14, परियोजना प्रबंधक राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, मुख्य परियोजना प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम, मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, नगर आयुक्त राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई 1 एवं उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण इनमें शामिल है। बात करते हुए पैदल राहगीरों से मोबाइल फोन लूटने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि खोराबार और राजघाट पुलिस के संयुक्त प्रयास से खोराबार थाना अंतर्गत महेवा निवासी संदीप निषाद पुत्र राजकुमार निषाद को ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त 25,000 का इनामी बदमाश है, ये लूट सहित अन्य आपराधिक मामलों में शामिल है। इसके खिलाफ खोराबार थाने में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। इसका अपने इलाके में काफी दबंगई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। यशो राजघाट और क्राइम ब्रांच के संयुक्त प्रयास से आज 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी संदीप निषाद पकड़ा गया है और यह एक लूट की घटना में वांछित था। इसके दो साथियों ने इसके साथ मिलकर घटना किया था और आश्चर्यजनक तरीके से पूछताछ के बाद इससे अन्य भी कई घटनाओं का अनावरण हुआ है। यह काफ़ी शातिर अपराधी है और इसके क्षेत्र में इसका काफ़ी आतंक और व्यापार था। ये लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मोबाइल और चेन उदा करते थे। फिलहाल जब ये घटना प्रकाश में आई थी तो इसे क्रिमिनल हिस्ट्री 1 थी, लेकिन बाद में पकड़े जाने के बाद इनसे अब तमाम घटनाओं का अनावरण होगा और इसने तमाम घटनाओं को।
गिरफ्तार किया अपने साथियों को। कितने मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर? अभी तक इसके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस मुठभेड़ का, एक लूट का। लेकिन आज की गिरफ्तारी के बाद, इनसे पूछताछ के बाद कई घटनाएं प्रकाश में आई जो इसने अपने साथियों के साथ अंजाम दिया। और भी नहीं, उसके 2 साथी जो वर्तमान में जेल में। गुरुवार को मुहद्दीपुर विद्युत उपकेंद्र पर विद्युत निजीकरण के विरोध कर रहे विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की महिला सदस्यों ने निजीकरण का एक नए तरीके से विरोध किया है। समिति की महिला सदस्यों ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों को पकौड़ा बनाने का प्रशिक्षण दिया। पकौड़ा बनाने का प्रशिक्षण दे रही सरोजनी सिंह, रमा उपाध्याय, रुबेका मसीहा, फातिमा मुख्य रहीं, तो वहीं प्रशिक्षण ले रहे अखिलेश गुप्ता, आशीष पासवान, ब्रिजेश त्रिपाठी, अजीत त्रिपाठी, इंजीनियर अजय कुमार, उदय प्रताप सिंह सहित अन्य विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने पकौड़ा बनाने का प्रशिक्षण लिया। अनुशासित ढंग किया जाएगा साथियों, साथियों हमारे मीडिया बंधु कराएंगे और इसमें सुनने में ये टीम सुनने में आएगा जो फीस जमा करने के बाद प्रशिक्षण ले रहे हैं। सिखाओ और कहना क्या है, करना क्या है, काम कुछ कर नहीं सकते। चले पकौड़ा बेचा जाए, चले पकौड़ा बेचा जाए, चले पकौड़ा बेचा जाए, पकौड़ा देश बेचने नहीं देंगे, नहीं देंगे, देश बेचने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। निजीकरण बंद करो, इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, कैसे तो हम लोग जो है आलू लिए हैं और केला भी लिए हैं। अब इसी तरह हम लोगों को कई चीज और भी सीखना पड़ेगा कि हम लोग जो है अब सरकारी नौकरी के लायक तो रह नहीं गए हैं। हमारे सारे साथी कर्मचारी भी हम लोग तो सड़क पे आ चुके हैं, इसलिए हम लोग जो है पकौड़ा अपना भविष्य देखते हुए अपना पकौड़ा बनाना आप लोग को भी सिखा रहे हैं भाइयों। और अभी प्याज भी हमारे पास है, बेसन की सामग्री है, ऐसे ही मैं बोल दे रही हूँ। और आलू और बेसन है हमारे पास, आलू है और केला है कि आने वाला दिन हमारे लिए इतना अप कर दिए कि आज हम रोड पे निकल के पकौड़ी बेच रहे हैं, ताकि हमारा भविष्य तो कुछ है ही नहीं और भविष्य के लिए ही ये दिन आज सामने आई है। हम लोग पकौड़ी और चाही से ये शुरुआत किए हैं, तो हमारे शहर में ये सब चीजें क्या हो रही है, आने वाले के लिए भी सोचना पड़ता है वो किस प्रकार की पकौड़ी खाएगा। तो हमें बेसन, नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ा अदरक चाहिए, हरा मिर्च चाहिए, जीरा चाहिए और ये सारी चीजें हम एक सामग्री तैयार करते हैं, बेसन को घोल और फिर बेसन में वो सारी चीजें डालते हैं। फिर प्याज की पकौड़ी में अजवाइन की भी जरूरत होती है दोस्तों, क्योंकि टेस्ट वहीं से बनता है, अजवाइन और जीरा से। तो हाँ, जैसे कि हमारे पीछे के दोस्त बोल रहे हैं कि आजमा होता है, बारीकी से उसको रखेंगे, फिर उसमें थोड़ा हरा मिर्च, अदरक और धनिया की कुछ चीजें मिलाएंगे ताकि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छा जाए। और इस तरह से हम मिलाएंगे और प्याज की पकौड़ी बनाएंगे, प्याज की पकौड़ी तो बनाएंगे बनाएंगे, साथ में केला के लिए मैं बेसन तैयार करेंगे और आलू की भी रेसिपी वहीं से तैयार करेंगे ताकि हम ये पकौड़ी बनाए और उनको बना के एक अच्छे तरह से सर्व करें। मिल गया है वो थोड़ा इंतजार करें, उनका काम थोड़े सारे इसमें कम है नमक खा रही है, बेचा जाए, चलो पकौड़ा बेचा जाए, पकौड़े का पकौड़ा बेचा जाए, पकौड़ा बेचा जाए, पकौड़ा बेचा जाए, चलो पकौड़ा बेचा जाए, इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए
पकौड़ा प्रशिक्षण दे रही विनीता सिंह और प्रशिक्षण ले रहे अखिलेश गुप्ता ने बताया। सबसे पहले तो आज हमारा 17 दिन हो गया, 18 दिन हो गया, और जो हमारा प्रदर्शन है वो आम प्रदर्शन नहीं है। सबसे पहले तो मैं सरकार को इस बात के लिए संतुष्ट कर दूं कि वो इस गलतफहमी को तो पूरी तरह से तोड़ दे कि हम लोग अगर वो निजीकरण नहीं लेंगे तो हम लोग कितने दिन रहेंगे शायद उनको ये पता नहीं है। इस बात को तुमको एहसास दिला ही देंगे हम कि बिजली विभाग वाले कम नहीं है, जो ये ठान के बैठे हैं कि निजीकरण का फैसला वो वापस नहीं लेंगे, तो हम लोग भी ये सोच के बैठे हैं कि जब तक वो नहीं लेंगे हम लोग रोड पे ही रहेंगे। आज का क्या है? आज का हमारा जो भी है पकौड़ी बेचने का स्टॉल है, अगर जरूरत पड़ी क्यों रोड पे निकल के वो कम से कम पकौड़ी तो बेच ही सकते हैं, तो आने वाले कल में हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो पकौड़ी तो बेचेंगे ही बेचेंगे। जब प्रधानमंत्री ये काम कर सकता है तो हम लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो आज की शुरुआत हम लोग पकौड़ी से ही किए हैं और इसके साथ हम लोग ट्रिप में दे रहे हैं चाय, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री जो है चाय बनाने की रेसिपी बहुत अच्छे से जानता है। कितने लोग आज सीखे हैं पकौड़ा बनाने? आज हमारे पास कुछ 25 से 35 लोग हैं जो ये परीक्षण सीखने के लिए आए हैं, और हम लोग बता नहीं पा रहे हैं कि हम अपनी बात कैसे उन तक पहुँचाएं। और बहुत सारे लोग जो है अभी देखे काफी यहाँ भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं जो सीखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारा नंबर कब आएगा और हम कब सीखेंगे। आप पकौड़ा सीखने आए हैं यहाँ पे? जी। क्या सीखा आपने अभी तक? तो क्या क्या जरूरी सामग्री होती है वो हम जानते हैं, साथ साथ कैसे बनाया जाता है, कैसे सारा जाता है, पूरी जानकारी तो नहीं लेकिन जानकारी अभी लेते जा रहे हैं धीरे धीरे, और अभी लगातार बने हुए हैं। ऊर्जा क्षेत्र के निगमों के अधिकारियों व कर्मचारियों के 9 अप्रैल से 72 घंटे के कार्य बहिष्कार के मद्देनजर जिलाधिकारी के विजयंत पांडे ने 6 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक करेंगे। इसमें गीडा नगर निगम, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक, आईटीआई, विद्युत सुरक्षा, नलकूप, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, होमगार्ड, संभागी परिवहन अधिकारी, रोडवेज आदि विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा जलकल, पूर्वोत्तर रेलवे, BSNL, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, CMO, CMS और दूर संचार कंपनी आइडिया, जियो, एयरटेल, वोडाफोन को भी बैठक में बुलाया गया है। देश की आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले गोरखपुर के चौरी चौरा कांड की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी की इस लड़ाई के दौरान 5 फरवरी 1922 में ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। तभी से इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसे जो जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह नहीं मिल सकी। उस दौरान हुई घटना का जिक्र आज भी चौरी चौरा थाने के रजिस्टर नंबर 8 में बाकायदा दर्ज है। आजादी के बाद चौरी चौरा थाने में जिंदा जले सिपाहियों के स्मृति में एक पार्क बनवाया गया जो इस समय जीर्ण छीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। पार्क का कायाकल्प करने के लिए SP नॉर्थ गणेश साहा ने पहल की और पार्क के सुंदरीकरण का कार्य शुरू कराया, जिसमें पुलिस विभाग से फंड भी उपलब्ध कराया गया है और पर्यटन विभाग का भी इसमें सहयोग मिल रहा है। SP नॉर्थ गणेश साहा का कहना है कि नई पीढ़ी को इतिहास का ज्ञान मिले, इसके साथ ही उन्होंने पार्क में मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। पर्यटक इस स्थान से प्रभावित होंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ गणेश साहा ने बताया कि पुलिस कर्मियों के जिंदा जलकर हुई मौत का जिक्र थाने के रजिस्टर नंबर 8 में दर्ज है, उसे वह शिलापट पर दर्ज कराया जाएगा। इस संबंध में आगे जानकारी देते हुए गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान SP नॉर्थ गणेश साहा ने बताया।
पूरा आ जाए एक बार। देखिए चौरी चौरा जो ऐतिहासिक थाना है और थाने के जो सेटअप हैं और थाने के पीछे ही शहरी स्थल बना हुआ है। सर्वप्रथम एस एच ओ को निर्देशित किया गया है कि आप थाने की स्वच्छता में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करें और थाने की जो ऐतिहासिकता है उसको बरकरार रखें। अभी मेरे द्वारा भ्रमण किया गया था तो मेरा प्रयास ये रह रहा है कि जो मूल रूप से जो थाने जो प्राचीन थाने थे जहाँ आगजनी की घटना हुई थी और उसके बाद जो थाना का निर्माण हुआ था तो सारी चीज़ों को जो बाहर से पर्यटक आते हैं या फिर आसपास के लोग आते हैं एक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इसको डेवलप किया जाए और दूसरा है ये है कि जो आसपास के लोगों को जानकारी दी जाए कि किस तरह चोरी चोरी की घटना हुई थी और उसके बाद क्या क्या स्टेप उठाए गए थे। जैसे वहाँ रजिस्टर नंबर 8 है उसको पूरी घटना का उल्लेख है उसको भी हम सिले पट पर प्रेरित करेंगे ताकि जो बाहर से लोग आते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है वो पढ़ सकें। शहरी स्थल में साफ सफाई का अभाव था वहाँ साफ सफाई कराई जा रही है। कुछ हमारे पास फंड है जिसके आधार पर आपको उसका रेनोवेट किया जा रहा है। कोशिश ये रहेगी कि बाहर से जो भी लोग आते हैं उनको बिना पूछताछ के ही जो वहाँ जो घटना हुई थी जो ऐतिहासिक था उसकी जानकारी हो जाए और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और हमारे द्वारा भी इसको मॉनिटर किया जाएगा। जी जी पर्यटन विभाग से सहयोग मिल रहा है। पर्यटन विभाग को बताया गया है कि आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप डेवलपमेंट करें और उनके भी प्रोजेक्ट है वो अपने हिसाब से देख रहे हैं क्योंकि एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। थाने के स्तर पे हमारे स्तर पे जो चीज़ें हो सकती है उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए ब्रेक में जाने से पहले दोबारा नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। प्रमुख सचिव नगर विकास ने किया बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, साथ ही जीडीए के सभागार में दस्तक अभियान के तहत हो रहे कार्यक्रमों की समीक्षा। मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किए गए कार्यों की प्रगति अपेक्षा अनुरूप न होने पर एक दर्जन से ऊपर अधिकारियों को 10 अप्रैल तक मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मांगा स्पष्टीकरण। लूट सहित आपराधिक मामलों में वांछित 25,000 का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। विद्युत के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की महिला सदस्यों ने चलाया पकौड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम। बिजली अधिकारी व कर्मचारी के 9 अप्रैल से 72 घंटों के कार्य बहिष्कार के मद्देनजर जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने 6 अप्रैल को बुलाई बैठक। एसपी नॉर्थ ने की पहल, चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल का होगा कायाकल्प। थाने के रजिस्टर संख्या 8 में दर्ज घटना को शिलापट पर जाएगा उकेरा। गोरखपुर न्यूज की विशेष कवरेज। गुहाराज निषाद की जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, निषाद समाज ने दी श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन के पीछे झाड़ियों में लगी आग, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की बैठक, डीएम ने कहा उद्यमियों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही ना बरतें अधिकारी। और नहीं रहे बंगाली समिति के दुर्गाबाड़ी के पूर्व अध्यक्ष पीके लाहड़ी, समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार।
दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार। वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशपुरा के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुहाराज निषाद की जयंती के अवसर पर आजाद चौक स्थित निषाद राज मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि बेतिया हाता शास्त्री चौक कचहरी चौक गोलघर होते हुए अंबेडकर चौक होते हुए पुनः मंदिर पर जाकर समाप्त हो गई, जहां मौजूद लोगों ने निषाद राज के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे केदारनाथ निषाद ने बताया। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन के पीछे झाड़ियों में गुरुवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। परिसर में अफरा तफरी मच गई। विश्वविद्यालय के गार्डों ने के साथ मुख्य अभियंता गोपाल प्रसाद भी मौके पर पहुंचे और तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। आनन फानन में पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने बताया। साढ़े दस बजे से खत्म हो जाता हो
कुछ ना पड़ी हाई बढ़ा ना ए पड़े ऐसा करिए पाइप चाहिए इधर तो उधर से बढ़ाई आगे रोड़े पाइप बढ़ा लो पाइप पकड़ो 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 खींचो याग पता तो नहीं चला है गृह विज्ञान के पीछे जो है कुछ गंदगी इकट्ठा किए थे लोग और ये जब ग्राउंड की सफाई हुई थी वहाँ की भी गंदगी नगर निगम ने साफ करके यहाँ रख दिया था तो अभी अचानक लगा अभी इसका पता तो नहीं चला और 10:30-11 बजे की बात है ये तुरंत मैंने फायर को वो किया 3-4 गाड़ियाँ फायर की आ चुकी हैं और नियंत्रण में है अभी फिलहाल अभी उस तरह से तो कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ है लेकिन पेड़ और थोड़ा सा मान लीजिए झुलस गए हैं कुछ लकड़ियाँ थी वो भी जली हैं और गर्मी के कारण ये जो पत्ता है साखू का जो है सागौन वाला जो ये है इसके वजह से और तेज पकड़ता है नियंत्रण में है अभी लोग लगे हुए हैं फायर के। उद्योग बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा मिट्टी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में कार्यभार ग्रहण करते ही 17 खनन के पट्टों को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है जिसमें से 8 में खनन भी शुरू हो गया है। इससे बालू की कीमत में कमी आई है। उन्होंने जिले में उद्योग स्थापना के लिए वातावरण बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को मनोयोग से कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से लें, टाल मटोल ना करें, यदि कोई दिक्कत आती भी है तो उसे तत्काल अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापना के लिए नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। उन्होंने गीडा के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शासन द्वारा निर्धारित 30 दिन की समय सीमा का पालन करते हुए नक्शे को पास कर दें। जिलाधिकारी ने उद्यमियों को आश्वस्त किया है कि उत्तर प्रदेश समिट 2018 में MOU साइन करने वाले उद्यमियों के लिए भूमि बैंक तैयार किया जाएगा। उद्यमियों ने अनुरोध किया है कि गीडा के आसपास की ही भूमि दिलाई जाए ताकि अवस्थापना संबंधित सुविधा मिल सके। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर से 20 उद्यमियों द्वारा उद्योग लगाने के लिए MOU पर साइन किया गया है जिससे लगभग 1400 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बैठक में ADM सिटी रजनीश चंद्र, SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, उद्यमी PK मस्खरा, RN सिंह, प्रवीण मोदी, आकाश जालान, संजय जालान, नवीन अग्रवाल एवं विभागीय अधिकारी एवं उद्यमी मौजूद रहे। मीटिंग में भी ये उन्होंने कहा था कि अगर कोई सरकार का आदेश है उसके ऊपर आप अपनी कोई नियमावली उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते कि आप उस पर लिख के दिए तभी मान्य होगा। हमारा जिला प्रशासन का कुछ इश्यू तो बता हम आपका यार आपका जो मांग है मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट सॉर्ट आउट नहीं कर सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट के इश्यू तो बताओ सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। वैसे सर आपको बताएं सर अपर प्रमुख सचिव साहब ने इसको प्राधिकरण की कमी मानते हुए सबको छूट का उन्होंने वो दिया। चलो तो जो हो डिसीजन हो गया तो अच्छी बात है फॉलो अप हो जाएंगे बट ठीक है जो अलग अलग डिसीजन होता है कहीं यार तो क्या बस ये अम्ब्रेला प्रोविजन नहीं है आप कह रहे तो ये सबको छूट हो ऐसा नहीं होगा केस बाई केस होगा सर उसकी कॉपी भी हमने आपको भेजी है यार हम उद्यमियों से जो भी जिन लोगों ने साइन किया है
उनसे अनुरोध है कि वो लोग अपने कोई भी एनओसी हो या कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो जिसपे आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। सर हमने रजिस्टर कर दिया, जो लोग हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते। इसमें कोई है और लाइक आपको कोई इशू है एनीथिंग? और उनकी 11 लोगों के लिए वहाँ से आई हुई है, ऐसा कई लोगों के पास अपनी लाइन है और जिनके पास सर लाइन नहीं है उनको सेकंड पेज में रखा जाएगा, उनको भोजन की व्यवस्था करने के लिए और भोजन की क्या गाइडलाइन होती है समता जिला के द्वारा ही व्यवस्था की जाएगी। टॉल गार्ड के लिए एडमिट किया था, इन लोगों के रेमवर्क नहीं है, कहाँ कहाँ मिलेगा जो इन्वेस्टर समिट में आए थे देंगे? गुरुवार को समाज सेवी और भूतपूर्व अध्यक्ष बंगाली समिति के दुर्गाबाड़ी के पीके लहड़ी का पार्थिव शरीर दुर्गाबाड़ी पांडाल परिसर में लाया गया, जहां बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल भी मौजूद रहे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी के पदाधिकारी और सभी सदस्यों ने भावभीनी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी के डॉक्टर अमरनाथ चटर्जी ने कहा, दुर्गाबाड़ी के तरफ से उनके आत्मा की शांति के लिए सब हमारे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे यहाँ के अध्यक्ष थे भैया दुर्गाबाड़ी की तरफ से मल्याल संस्था की ओर से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो हम लोग करना ही चाहिए और क्योंकि ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं इसलिए हम लोग उनके सम्मान में दुर्गाबाड़ी में, वैसे सबका दुर्गाबाड़ी में आना नहीं हो पाता है लेकिन किसी का पार्थिव शव नहीं आता है, लेकिन चूँकि अध्यक्ष रह चुके हैं बहुत सालों तक इसलिए हमें दुर्गाबाड़ी में मैंने कहा कि उनका शरीर ये यहाँ पर आए पार्थिव शरीर और ये हम अल्लाह पर करके दुर्गाबाड़ी से फिर वो उसमें जाएंगे। चलिए चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। प्रमुख सचिव नगर विकास ने किया बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, साथ ही जीडीए के सभागार में दस्तक अभियान के तहत हो रहे कार्यक्रमों की समीक्षा। मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किए गए कार्यों की प्रगति अपेक्षा अनुरूप न होने पर एक दर्जन से ऊपर अधिकारियों को 10 अप्रैल तक मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मांगा स्पष्टीकरण। लूट सहित आपराधिक मामलों में वांछित 25,000 का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। विद्युत के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की महिला सदस्यों ने चलाया पकौड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
बिजली अधिकारी व कर्मचारी के 9 अप्रैल से 72 घंटों के कार्य बहिष्कार के मद्देनजर जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने 6 अप्रैल को बुलाई बैठक। एसपी नॉर्थ ने की पहल, चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल का होगा कायाकल्प। थाने के रजिस्टर संख्या 8 में दर्ज घटना को शिलापट पर जाएगा उकेरा। गोरखपुर न्यूज की विशेष कवरेज। गुहाराज निषाद की जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, निषाद समाज ने दी श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन के पीछे झाड़ियों में लगी आग, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की बैठक, डीएम ने कहा उद्यमियों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही ना बरते अधिकारी। और नहीं रहे बंगाली समिति के दुर्गाबाड़ी के पूर्व अध्यक्ष पीके लाहड़ी, समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो रहिए ना बेखबर और फिर देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइन। नमस्कार।